अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नीट यूजी 2023 के कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ की बात करेंगे कि सेफ सिक्योर आपको डिफरेंट कैटेगरीज में क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नीट यूजी 2023 की बेस्ट बुक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बुक्स एजुकाजोन पब्लिकेशंस की हैं। इनमें आपको नीट यूजी 2022 का पूरा 100% सॉलिड पेपर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद एक्सटेंशन एक्सप्लेनेशन। 2500+ क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे जो आपको नीट यूजी में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज नीट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हैं वो आपको चैप्टर वाइज इसमें देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद एक्सटेंशन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सेपरेट बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। सभी बुक्स को खरीदने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। बारे में तो देखिए, कट ऑफ को जानने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। जो मैं यहां पे कट ऑफ आपको बता रहा हूं ये जस्ट आपका एक सेफ स्कोर रहने वाला है। ऐसा नहीं कि जो कट ऑफ मैं यहां पे आपको बोलूंगा वही कट ऑफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ बताऊंगा आप उतना अगर टारगेट रख लोगे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज इजीली यहां पे मिल सकता है। तो कट ऑफ को जाने से पहले हमारे पास कुछ दो तीन पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे कैंडिडेट्स ने की है, उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एंट्रेंस में, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो कट ऑफ डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है कि पेपर का लेवल किस तरह से। अगर ईजी पेपर आता है तो कट ऑफ कम हो जाता है, कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है। अगर पेपर टफ आ जाता है तो कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है। ठीक, तो उसी तरह से अभी कुछ एक दो पॉइंट्स हमारे पास हैं जिनकी जो है देखते हुए हम थोड़ा सा कट ऑफ जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़े पिछले दो तीन सालों का भी यहाँ पर हम डाटा देख लेते हैं कि पिछले दो तीन सालों में कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन की थी और कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, और इस बार सीट्स कितनी है और कितने कैंडिडेट्स यहां पे अपीयर हो सकते हैं। तो 2020 की अगर मैं बात करूं, 2020 में 15,97,000 यानी कि 15,97,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन की थी। उसके बाद 14,10,000 कैंडिडेट्स जो थे वो एंट्रेंस में अपीयर हुए थे 2020 में। 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें 16,14,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन की थी। देन उसके बाद 15,44,000 कैंडिडेट्स ने एंट्रेंस दिया था। उसी तरह से पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 18,72,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन की थी नीट की। उसके बाद 17,064 कैंडिडेट जो है वो 17,64,000 कैंडिडेट जो थे वो एंट्रेंस में अपीयर हुए थे। उस तरह से अगर हम इस साल की बात करें, आप सभी ने देखा होगा कुछ दिन पहले एनटीए की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई थी कि 21 लाख कैंडिडेट्स ने इस बार रजिस्ट्रेशन की थी। देन उसके बाद फिर से लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया था, यानी कि इस बार आप मोटा मोटा अगर समझ लोगे तो 21 लाख+ रजिस्ट्रेशन जो है वो 2023 सेशंस में नीट यूजी की होने वाली है। इसमें रजिस्ट्रेशन तो बढ़ गई, अब यहाँ पर सीट्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, जिसमें अगर आप सीट्स का अगर हम टोटल देख लें तो लगभग 1,01,000 के प्लस सीट्स यहाँ पर इस बार गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS की सीट्स नीट यूजी में फिलअप होने जा रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स हैं, प्राइवेट सीट्स हैं, डीमेड यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं। इसमें अगर हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करें, इसमें 52,500 गवर्नमेंट सीट्स इस बार फिलअप होने वाली है। उसके बाद अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे यूपी है, तेलंगाना है, इसमें कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी ऐड होने जा रहे हैं, किसी में 5 मेडिकल कॉलेजेस, किसी में 6 मेडिकल कॉलेजेस। उस वजह से क्या होगा कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, और उन जैसे यूपी है या तेलंगाना है, इन स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स होंगे इनको कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि सीट्स बढ़ जाएंगी। कहा जाता है यूपी में अभी जो है वो 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं, अगर 13 नहीं हुए, 5-6 अगर ऐड हुए तो 500-600 सीट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसी तरह से तेलंगाना में 9 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो जाएंगे, तो 900 सीट्स ऐड हो जाएंगे। तो इनके कैंडिडेट जो होंगे उनको कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगा, और उनमें 15% सीट्स जो ऑल इंडिया लेवल पे फिलअप हो जाएंगी, उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सभी ने सुना होगा कुछ न्यूज़ आ रही थी कि 50% सीट्स जो होंगी वो प्राइवेट कॉलेजेस में, उनमें जो फ़ी रहने वाली है वो गवर्नमेंट फ़ी रहेगी, यानी कि एनटीए उनमें 50% सीट्स फिलअप करेगी एमबीबीएस के लिए, उनमें जो फ़ी रहेगी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर ही फ़ी वहाँ पे रहने वाली है। आप सभी देख रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी ज़्यादा यहाँ पे फ़ी होती है, लेकिन इस बार अभी ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर ये हुआ तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर 50% सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट के फ़ी के बराबर उनमें फ़ी रही तो उससे भी काफ़ी कम जो है वो कट ऑफ जाएगा, और उसी के साथ साथ अगर प्राइवेट कॉलेज में कैंडिडेट्स को मिलेगा तो फी का वहां पे कोई भी मसला यहां पे नहीं आएगा। लेकिन अभी ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन यहां पे नहीं आई है। तो ये थोड़ा सा डाटा आपको मैंने समझा दिया नीट का। अब अगर हम थोड़ा सा सेफ स्कोर के बारे में बात करें, ये कट ऑफ मैं पूरे ऑल इंडिया लेवल के बारे में बात कर रहा हूं। जेके पॉपी का कट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ऑल इंडिया लेवल के बात करेंगे। तो इसमें अगर आप ओपन मेरिट से हैं, अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है ओपन मेरिट से, अब या जनरल कैटेगरी से हैं, तो लगभग आप 600
प्लस पॉइंटर्स आप टारगेट रख लेना, तब जाके आपका सेफ स्कोर यहाँ पे रह सकता है। 605 के प्लस आप रख लोगे तो चांसेस आपको हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। उसके बाद अगर आप PWS कैंडिडेट हैं तो आपके यहाँ पे 598 पॉइंटर्स होने चाहिए, तब जाके आप जो वो सेफ हैं कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। उसके बाद अगर हम OBC की बात करें, OBC में आपको लगभग 601 के प्लस यानी कि 600 के प्लस पॉइंटर्स अगर आपके हैं तो OBC में आपको कॉलेज मिल सकता है, सेफ स्कोर है। फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आप टारगेट इतना यहाँ पे रख लेना। उस तरह से अगर हम SC की बात करें, SC में 475 के प्लस आप टारगेट रख लेना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। उसके बाद ST की अगर हम बात करें तो 444 यानी कि 450 के आसपास आप पॉइंटर्स टारगेट रख लेना, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे MBBS में मिल सकता है नीट UG में इस बार। तो ये था थोड़ा सा कैटेगरी वाइज जो है वो सेफ स्कोर। अगर हम JK बोबी की बात करें, उसमें कुछ और कैटेगरीज भी ऐड होती हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। पूरा JK बोबी का हम डाटा आपको समझा देंगे सारे कॉलेजेस में। फिलहाल का जो वीडियो था ये पूरे ऑल इंडिया लेवल का था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर कन्फ्यूजन कोई होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।